सबसे पहले तो यही कि जो सनातन धर्म की अलग अलग शाखाएं बिखरी पड़ी हैं पूरे विश्व में, उनको एक तरह से एक मंच पे लाने के लिए, सब में संगठन की भावना को विकास करने के लिए, सबको एक समूह में लाने के लिए किस स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है, क्या कुछ किया जा सकता है आज के संदर्भ में? संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में शक्ति सन्निहित है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि चंडी और विनायक की उपासना कलयुग में शीघ्र फलप्रद होती है। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तिया, दुर्गा सप्तशती के इस वचन के अनुसार ब्रह्मादि देवों के समष्टि तेज से भगवती शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो अपने आप में चंडी शक्ति को द्योतित करने वाली देवी हैं। गणेश जी का नाम विनायक है, गण भी संघ का ही नाम होता है, नायक हैं वे, विशेष नायक हैं। तो चंडी और विनायक कहने पर ही संघ बल के महत्व को ख्यापित किया गया है। संघ बल का ख्यापन होता है चंडी विनायक इन शब्दों के द्वारा। लेकिन विडम्बना यह है कि अहंकार की पराकाष्ठा, क्षुद्र व्यक्तित्व में व्यामोह के कारण कलयुग में अच्छे व्यक्तियों का संगठन बन पाना असंभव सरीखा है, सर्वथा संभव नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक उपासना पद्धति है जिसका आलंबन लेने पर एक व्यक्ति भी अपने आप में महासंघ का काम करता है। ऐसे 5-7 व्यक्ति मिल जाएं तो भी पूरे विश्व में स्वस्थ क्रांति उद्भासित की जा सकती है। उदाहरण के लिए नेत्र के देव सूर्य हैं, संध्या वंदन में नेत्र और सूर्य के एकत्व की धारणा का वर्णन है। मन के अधिदेव चंद्रमा हैं, मन और चंद्रमा में एकत्व की धारणा की जाती है। वाक्य अधिदेव अग्नि हैं, वाक और अग्नि में तादात्म्यापत्ति या एकत्व की धारणा की जाती है। मैंने संकेत किया, जागृत अवस्था में स्थूलोपाधिक चैतन्य जिसको जीव कहते हैं उसका नाम विश्व है, समष्टि में उसी का नाम विराट या वैश्वानर होता है। विश्व और विराट या वैश्वानर के एकत्व की धारणा का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से आत्मा का नाम तेजस होता है, तेजस का समष्टि रूप हिरणगर्भ है, तेजस और हिरणगर्भ के एकत्व की धारणा हमारे शास्त्रों में है। सुषुप्ति में कारण शरीर की प्रधानता होती है, उसमें तादात्म्यापन्न जीव का नाम प्राज्ञ होता है। तो मांडूक उपनिषद में प्राज्ञ और सर्वेश्वर के एकत्व की धारणा का वर्णन है। व्यष्टि में जिसको शुद्ध चित्त धातु कहते हैं, चेतन कहते हैं, जीव का मौलिक स्वरूप प्रत्यगात्मा या तुरी या कूटस्थ है, उसकी समष्टि दृष्टि से ब्रह्म संज्ञा है। तुरी और ब्रह्म के एकत्व का वर्णन शास्त्रों में है। इस प्रकार संध्या तर्पण आदि के माध्यम से हमारे दर्शन ग्रंथों में जो धारणा प्रस्तुत की गई है, विज्ञान प्रस्तुत किया गया है, उस विज्ञान को अगर व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में आत्मसात कर ले तो हर व्यक्ति अपने आप में संघ होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कर्पाती जी महाराज नाम को कहा, समष्टि अभिमान जीव को ईश्वर कल्प बना देता है। और ऐसे दो व्यक्ति भी अगर संगठित हो जाएं तो स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने में समर्थ सिद्ध होते हैं।
उदाहरण के लिए चार युग को लेकर मैं चार पांच उदाहरण दे रहा हूँ। हिरण्यकश्यपु दुर्दांत था, कोई दूसरा शासक ऐसा भूमंडल पर नहीं था जो उसके शासन को और उसको चुनौती दे सके। देवराज इंद्र आदि भी उससे प्रकंपित रहते थे, लेकिन देवर्षि नारद ने उसी के पुत्र प्रहलाद को, जब वे माँ के गर्भ में कयाधु रानी के गर्भ में थे, तभी उपदेश दे दिया। जन्म लेने के बाद प्रहलाद चलते फिरते आत्मबम के रूप में ख्यापित हुए। न तो उन्होंने गोली का प्रयोग किया न गाली का। पिता को पिता मानते हुए भी उनकी अराजकता का अनुगमन नहीं किया। तो दो व्यक्तियों के संघ बल ने, एक व्यासपीठ से संबद्ध, एक शासन तंत्र से संबद्ध, देवर्षि नारद और प्रहलाद के संघ बल ने हिरण्यकश्यपु के दिशाहीन शासन तंत्र को निरस्त कर धर्मराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी प्रकार वेन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासक नहीं था, भृगु जी ने, और पृथ्वी जी ने मिलकर के वेन के आतंकवाद को तो निरस्त कर ही दिया, बल्कि धर्मराज की प्रतिष्ठा का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। वेन के शरीर के भुजदंडों के मंथन से ही राजा रानी को प्रकट कर दिया था, क्योंकि वेन की उत्पत्ति पुत्रेष्टि याग वैष्णव याग के द्वारा हुई थी। नन्हाल की दूषित परंपरा के कारण वेन में आसुर भाव था, उसका शोधन कर दिया। उसके शव के भुजदंड का मंथन करके ही उचित राजा रानी विश्व को प्रदान किया। तो हमने एक संकेत किया कि भृगु और पृथु जी के संगठन ने, संघ बल ने विश्व को धर्मराज दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उधर विश्व वशिष्ठ जी थे, उनका सहयोग किया विश्वामित्र जी ने, उन्होंने भगवान रामभद्र को प्रकट किया। वशिष्ठ जी और रामभद्र ने मिलकर के, ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज ने मिलकर के विश्व को रामराज दिया। रावण इत्यादि का उच्छेद भी उसी से हो गया। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया, धर्मराज को युधिष्ठिर के रूप में प्रकट किया। तो हम संकेत करते हैं कि भगवान वेद व्यास जी और श्री कृष्ण जी ने, या यूँ कह सकते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने, या वेद व्यास जी और युधिष्ठिर ने, दो व्यक्तियों के संघ बल ने विश्व को धर्मराज दिया। अब हम कलयुग की ओर आते हैं। भगवत पाद आदि शंकराचार्य सुधन्वा के संघ बल ने एक व्यवस्थित शासन तंत्र विश्व को दिया बृहद भारत में। इसी प्रकार से हमारे विक्रमादित्य और नवरत्न, नवरत्न और विक्रमादित्य के संघ बल ने एक भव्य शासन तंत्र प्रदान किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त के संघ बल ने एक अद्भुत शासन तंत्र प्रस्तुत किया। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं समर्थ रामदास और शिवाजी के संघ बल ने कायाकल्प कर दिया भारत का। तो दो व्यक्ति भी अगर, एक व्यासपीठ परंपरा से, ब्राह्मण परंपरा से, एक शासन तंत्र की परंपरा से, चाहे कुछ वैकल्पिक जैसे हो या शुद्ध क्षत्रिय ही हो, तो विश्व में कायाकल्प कर सकते हैं। दो व्यक्ति का संघ बल भी पूरे विश्व में स्वस्थ क्रांति को ध्वंसित कर सकता है। कहीं ऐसे 10-20 व्यक्ति मिल जाएं। भगवान वेद व्यास जी ने क्या किया, द्वापर और कली की संधि में 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में समवेत किया। दो ऋषि महर्षि एक जगह बैठ जाएं बहुत कठिन होता है। 88,000 सूत और शौनक जी के संवाद से ही महाभारत पुराणों की अभिव्यक्ति हुई। एक उज्ज्वल उदाहरण भगवान वेद व्यास जी ने द्वापर और कल्कि संधि में प्रस्तुत किया। तो अब तक के वक्तव्य का सार ये निकला कि संघ बल बहुत महत्वपूर्ण है, और कदाचित बाहर संघ बल होने में कठिनाई हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार,
व्यक्ति की आसक्ति या व्यक्ति का स्वार्थ संघ बल नहीं बनने देता। कदाचित अहंकारी स्वार्थी आसक्त व्यक्ति दो चार इकट्ठे हो जाएं तो शोषक तो हो सकते हैं, समाज के पोषक नहीं हो सकते। उत्तम संघ में वही सदस्य हो सकते हैं जो अहंकार को दमन का, धीरे धीरे अहंकार के उच्छेद का मार्ग प्रशस्त करें, पेट और परिवार से ऊपर उठ करके, इनकी उपेक्षा तो न करें लेकिन ऊपर उठ करके काम करें। कलयुग में अहंकार की पराकाष्ठा के कारण कोई किसी को गिनता नहीं है, यहाँ तक कि शिष्य लोग भी गुरु से अपने अहंकार के पोषण का ही अभिभाव रखते हैं। कठिन है संघ बल, मैं तो जहाँ तक यह ध्यान है 8 या 9 वर्ष की अवस्था से संघों में काम कर रहा हूँ। RSS नहीं, RSS का मैं कभी सदस्य नहीं था, लेकिन मैंने 8 वर्ष 9 वर्ष की आयु से संस्थाओं में काम किया है अभी भी। लेकिन संत महात्मा अच्छे मनीषी विचारक दो चार मिल के काम करें तो भी कठिन होता है जी। एक महात्मा वृंदावन में थे, वो कहते थे एक और एक को जोड़ोगे तो 2 होगा और एक एक ऐसे कर दोगे इकाई दहाई स्थानापन तो 11 हो जाएगा, संघ बल हो गया। एक और एक 2 भी हो सकता है और एक और एक 11 भी हो सकता है। हिंदी में बहुत बढ़िया उदाहरण है 36 और 63, दोनों के पीठ ऐसे हो जाए मुँह अलग अलग तो 36 ही संख्या बनती है, दोनों के मुख एक दूसरे के अनुकूल हो जाए तो 63। 63 का महत्व अधिक है, 36 की अपेक्षा अधिक है या नहीं, तो संघ बल का बहुत महत्व है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और हमने कहा कि व्यक्तिगत रूप से जीवन ऊर्जा की स्थापना के लिए जो व्यष्टि और समष्टि का एकत्व है उसको अगर व्यक्ति धारण करें तो एक एक व्यक्ति भी अमोघ बल से संपन्न हो सकता है।